लाएं समाधान नहीं है, समाधान है प्रत्येक व्यक्ति गोपालक बने, ये समाधान है। समाधान है हमारी खेती गो आधारित हो, गो कृषि हो। समाधान है हमारी चिकित्सा गो आधारित हो, और समाधान है हमारी शिक्षा गो आधारित हो। आचार्य जी, पहले शिक्षा गो आधारित हो, फिर कृषि और चिकित्सा, ये दोनों गो आधारित होंगी। पहले शिक्षा गो आधारित होनी चाहिए। हमारा विचार तो ये है कि प्राथमिक पाठशाला से लेकर के स्नातक तक ग्रंथों का निर्माण होना चाहिए, कि प्राइमरी तक गाय के संबंध में ये पढ़ाया जाएगा, मिडिल तक ये पढ़ाया जाएगा, इंटर तक ये पढ़ाया जाएगा, बीए में ये पढ़ाया जाएगा, एमए में ये पढ़ाया जाएगा। और जो वैज्ञानिक गाय के पदार्थों पर, गव्य पदार्थों पर रिसर्च करें, उन्हें भारत सरकार सम्मानित करेगी, पुरस्कृत करेगी, उन्हीं को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री आदि सम्मान उनको मिलेंगे। और इतना ही नहीं, जो विज्ञान को सर्वोपरि रूप में प्रतिष्ठित करे, गो विज्ञान को, वही ईमानदारी से सच्चा भारत रत्न बनने का सुपात्र है। अब कोई बनाए ना बनाए, वो तो बना बनाया भारत रत्न है। आपको अन्यथा लगेगी बात मान कहने में, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि पूज्य स्वामी दत्त शरणानंद जी महाराज, पचमेड़ा महाराज, इस समय के भारत रत्न है। वो कोई डिग्री उपाधि उनको चाहिए नहीं, वे तो साधु हैं, लेकिन जैसा निरंतर गोवंश के लिए उनका जीवन समर्पित है, एक एक श्वास गाय के लिए समर्पित है, और आज इस विषम परिस्थिति में भी पूरे देश में उनके द्वारा जागरण हो रहा है, विचरण हो रहा है, भ्रमण हो रहा है, और 1.5 लाख से ऊपर गोवंश की सेवा उनके द्वारा हो रही है, तो हम तो ऐसा स्वीकार करते हैं कि भले कोई उपाधि उनको दे न दे, और कोई दे तो शायद वो लेंगे भी नहीं, फोटो खिंचाते नहीं, उपाधि कहाँ से लेंगे, पैर छुवाते नहीं, फोटो खिंचाते नहीं, पैसा छूते नहीं। लेकिन मुझसे कोई कहे तो मैं कहूँगा स्वामी दत्त शरणानंद जी इस युग के भारत रत्न हैं। भारत रत्न नहीं, वे इस धरती के रत्न हैं।